Hello everyone, now I'm going to teach minorities of class 8. In our previous video, we learned exercise 10.1. In this video, we start our exercise 10.2. First, we see some definitions, then we start our exercise. Inverse variation. In previous video, we learned about direct variation, and in this video, we learned about inverse variation. If two quantities are linked in such a way that an increase in one causes a corresponding decrease in the other and vice versa, then such a variation is called an inverse variation. If two quantities A and B vary with each other in such a manner that the product AB remains constant and is positive, then we say that A and B vary inversely as each other, or A varies inversely as B, and B varies inversely as A. ये हम थोड़ा सा इनवर्स वेरिएशन क्या है? If two quantities are linked in such a way that an increase in one causes a corresponding decrease in the other, यानी कि दो क्वांटिटीज इस तरह से लिंक्ड रहे दैट एन इंक्रीज इन वन, यानी जब एक कोई इंक्रीज करे तो दूसरा डिक्रीज करे, या फिर दूसरा डिक्रीज कर रहा है तो पहला इंक्रीज कर रहा हो, इसी को कहते हैं वाइस वर्सा। ऐसा ही वेरिएशन को हम इनवर्स वेरिएशन कहेंगे। अब इसको हम दो एग्जाम्पल लेके देखें कि इफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी वैरी विथ ईच अदर, अगर कोई दो क्वांटिटी ए और बी है जो कि एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है, इन सच अ मैनर That the product AB remains constant. इस प्रकार से कि आपका जो product AB आ रहा है वो constant ही आ रहा है, same आ रहा है, and is positive, और positive भी आ रहा है, then we say that A and B vary inversely. तो हम कहते हैं कि A और B जो है सो क्या है, inversely vary कर रहा है as each other, और A varies inversely as B, या फिर हम उसको ऐसे बोल सकते हैं कि A जो है सो B के साथ inversely vary कर रहा है और B जो है सो A के साथ inversely vary कर रहा है। तो ये difference थे बच्चों, आइए अब हम अपना exercise देखते हैं। हमें सो एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली। ऐसे करके बच्चों को क्वेश्चन नंबर 4 तक हो जाएगा, फिर आप क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं तो आपको उसका सारा क्वेश्चन बन जाएगा।
इफ 36 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज एंड 36 मैन जो है वो 25 डेज में काम कर रहा है, इन हाउ मेनी डेज विल 15 मैन डू इट, लेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज इक्वल टू एक्स, देन then number of days <coughs> 36 men can do a piece of work in 25 days in how many days will 15 men do it. Here, the number of men is less, so number of days is more, so it is the case of इनवर्स वेरिएशन. और अगर इनवर्स वेरिएशन में है तो सो 36 मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई एक्स, सो एक्स इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 25 बाई 15 60. सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज इक्वल टू 60. तो बच्चों आपको इससे 3.2 के सारे क्वेश्चन और इसके सॉल्यूशन पीडीएफ के द्वारा भेज दिए जाएंगे, इसे आप सॉल्व कर लेंगे. हम अपने नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.